ट्विटर पर सबसे बड़ा हैकर हमला, मशहूर हस्तियों के सैकड़ों अकाउंट्स हैक। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के ट्विटर अकाउंट भी हैक। अरबपति कारोबारी एलन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स समेत दुनिया के कई बड़े कारोबारियों और नेताओं के ट्विटर अकाउंट हैक। इन पर बिटकॉइन में मांगा गया दान। बिल गेट्स के अकाउंट से किए गए ट्वीट में कहा गया, आप मुझे $1,000 भेजिए, मैं आपको $2,000 वापस भेजूंगा। पोस्ट किए जाने के चंद मिनट के भीतर ही ये ट्वीट डिलीट हो गए। ट्विटर ने कहा, मामले की जांच जारी। घटना की जांच के दौरान ट्विटर रहा डाउन, पासवर्ड रीसेट नहीं किए जा सके, ट्वीट भी नहीं थे मुमकिन। चीन की एक और चालबाजी का पर्दाफाश, फिंगर क्षेत्र से पूरी तरह से चीन हटने को तैयार नहीं, सैन्य कमांडरों की बातचीत में पेंगोंग पर अड़ा चीन। चीन के रुख को लेकर भारत सतर्क, फिंगर 8 तक चीनी सेना के लौटने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री का एलएसी का दौरा, 17 जुलाई को फॉरवर्ड पोस्ट का जायजा लेंगे राजनाथ सिंह। चीन के साथ तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, सेना को आपात स्थिति में 300 करोड़ तक के हथियार खरीदने की इजाजत। पीओके में जामिर भाषा डैम पर भारत ने जताया एतराज, चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान बना रहा है बांध। जारी है राजस्थान का सियासी ड्रामा, आज तक में बातचीत में अशोक गहलोत ने पायलट पर सीधा हमला बोला, लगाया आरोप कि ये सरकार गिराने की साजिश थी। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के वार पर किया पलटवार, कहा गलत है काम नहीं करने देने का आरोप, उन्होंने कभी नहीं मानी मेरी बात। आज तक से खास बातचीत में अशोक गहलोत का बड़ा आरोप, कहा बिना इजाजत लिए विदेश जाते थे सचिन पायलट। सचिन पायलट के बहाने कांग्रेस के युवा ब्रिगेड पर गहलोत का निशाना, बोले अंग्रेजी बोलने से सब कुछ नहीं होता, नियत ठीक होनी चाहिए। कोई अच्छा इंग्लिश नहीं बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता है। अच्छे हैंडसम पर्सन की वजह सब कुछ नहीं होता है। गुना में अतिक्रमण हटाने के दौरान दंपति ने खाया जहर, इलाज की जगह पुलिस ने लाठियों से पीटा। आज तक की खबर के बाद हरकत में सरकार, गुना के कलेक्टर और एसपी का किया तबादला। सौरभ गांगुली के भाई स्नेशीष को कोरोना, एक ही घर में रहते हैं दोनों भाई। बालघर में दो संतों की हत्या के केस में चार्जशीट दायर, पुलिस की चार्जशीट में 126 आरोपी। कोरोना से बढ़ती मौतों पर आईएमए का डॉक्टरों को रेड अलर्ट, कहा इलाज के दौरान पूरी सावधानी बरतें। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी घर से निकले ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो, फ्लैग सेरेमनी में की शिरकत। इस्तांबुल में संसद पर हमले को 4 साल पूरे, इस मौके पर उड़ाए गए 200 ड्रोन ने रोशनी से बनाया तुर्की का झंडा, साथ में लिखा संदेश जनता जी। मॉस्को में सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन, संविधान संशोधन के जरिए कई साल पुतिन के राष्ट्रपति बने रहने के प्रावधान का किया विरोध। सेंट्रल और ईस्ट चीन में बाढ़ का कहर जारी, सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इटली में भारी बारिश के बाद बाढ़, सिसली शहर में 2 लोगों की मौत।